Nuts. साहबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो। कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको। खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों पर बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। बिसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के होलियों को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनाई नहीं, क्यों गुप्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो, आराम सारे। फिर कोई बहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे हालात ने काम दिखा दिया। ये बार बार की कपड़ी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊंट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊंट मेरी तकदीर का हिस्सा कहां से हो गया? ये वही ऊंट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊंट का पेट ना होता तो कूफे के हंगामाराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। महकल, इतना ही काफी होता कि हंगामाराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? यह ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी एक मात भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊंट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्याल का शिकार। नहीं नहीं, अमीर, क्या हो गया कासिद? आप पर कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। हा? हा? Thank you.
खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जजाए खैर। ऐ मुसैया, तुम्हारी इस सर्ब ने शामी बूढ़ों को सिफैन की याद दिला दी हूँ। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेजों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठाकर ले आए और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेजों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दुगा की हर चीज को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गए। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैया। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लें। पनामे अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान बिगाड़ दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लिटवा चुके बाढ़ में जाए, अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ोगे वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ऐ अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी जबान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से ऐसा किया तुमने वो तुम सबका सालार है, समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्ने नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20000 हो गई है। यानी एक पर पांच, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख, शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले 1-8 दिनों में हुसैन इब्ने नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्ने ज़ी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए।
आप लोग जानते हैं कैसे से पैसालार की जेर निगरानी जो फौजी हैं, वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही ना करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था कि शुराबील को पत्थर मारे गए हैं। अजीब सी बात है कि इस मजरू आबरू के साथ उसे दोबारा मैदान जंग में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। या तो ये कि बिनवाल के कहने के मुताबिक मर्दों की कमी हो गई होगी। आप लोगों का मकसद यह है कि हमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्या मैंने ठीक समझा बिनवाल? तकरीबन यही मौजू है रुफ़ाहा। हमारी जंग इब्ने नुमैर सकूनी और शुराबील इब्ने ज़ी किला के साथ एक तारीख साज जंग होगी। अगर बफ़ज़ल खुदा जंग जीत जाएं तो इब्ने ज़ियाद मलून हमारी मुट्ठी में होगा। हम हर लिहाज से दुश्मन से बढ़तर हैं, हालात भी हमारे हक में हैं, हमारी रूह भी उनसे कई गुना ज्यादा पुरजोश है और हमारा हदफ भी मुकद्दस है, सिर्फ गिनती में उनके बराबर नहीं है। और ये भी तवाबीन के ईमान की ताकत और उनके शौक शहादत के साथ इजाले के काबिल है। कल रात मैं कुछ देर मैदान में चहलकदमी कर रहा था। ज्यादातर फौजियों का मौजू गुफ्तगू पिछले एक आध दिनों के शोहदा पर रश्क करने से मुतालिक था। बहरहाल बेहतर ये रहेगा कि हम एहतियात का दामन थामे रहें और एक मुनासिब जंगी आराइश के साथ दुश्मन की तरफ पेशकदमी करें। मैंने ऐसी आराइश सोची है जिसके बारे में हम मिलकर तैयारी करते हैं और एक दूसरे के मशवरों पर गौर करते हैं। ये देखिए, हम पांच दस्तों में बंट जाएंगे। जिन लोगों ने दिमाग चलाया है, आराइज का अंदाज बदल गया। हमला शुरू करूंगा। हुसैन नहीं अमीर, तुम तब इंसान बनोगे पिसरे जिकला। बहुत खूब अमीर, अब ठीक है, इजाजत है मैं हमला शुरू करूं? नहीं नहीं, क्यों? इस लश्कर का वारिस है, तुम समझते हो कि सारे फौजी उस शख्स पर जो एक बार उसवाई के साथ भाग गया और अपने लश्कर को इराकियों की तलवारों के हवाले कर दिया एतमाद करेंगे? ये सिपाही इंसान है, चुकंदर के छिलके नहीं। अगर मैं इब्ने ज़ियाद की जगह होता तो तुम्हें एक दुम्बा भी चराने नहीं देता। कुछ आगे 8,000 अफराद का सिपा सलार बनाऊं। अपनी जगह पर जाओ और हुक्म मिलने का इंतजार करो, जल्दी। अहमक आदमी, ये समझता है मैंने भी इसकी तरह खदे का मक्स खाया है। बिन मुखारिक। जी अमीर। उल्टे हाथ से हमला शुरू करो, उल्टे हाथ से हमला शुरू करो। जी अमीर। तीर अंदाजो।
Thank you.
सत्ता की झंडा बुलंद है। मेरा आप पर गंबा का विश्वास है, जैसा भी हो सके उनके परसों को नीचे गिरा दो। जी अमीर। तलवार की नयाम तोड़ ली है, हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीछे नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आलाइश है रूपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि जमीन से शामिल उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रूपा, अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन शामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे नाटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे, हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे हट जाओ। ये लो, बहुत एहतियात करना जायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबहरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफे की आजाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है जायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा। दुश्मनान अली ऐनुल्कुदा में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसय्यब, बिन वाल और बिन साद मरे नहीं हैं।
वो लोग सूरज की शक्ल में सुबहों के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबी, आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर पर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा आबियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई। खुदा की पनाह में मेरे भाई। दुरूद हुआ ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से खत लेकर आया हूं। मुख्तार, खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐनुल वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हुआ ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजातों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफाए, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है, मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। तो क्या तुम समझते हो कि तवाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐनुल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद भी ऐनुल वर्दा की तरफ चला था अगर जुबेरियों की गुल जंजीर का कैदी ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन
आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब ज्ञान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फातह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत ना बचे। सुभान अल्लाह, तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए, इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है, ये लो तुम खुद पढ़ लो। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी। मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐनुल वर्दा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर ले। लानत खुदावंद और शैतान रजीम पर। छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया? बजाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी।
خلیفہ زادے کے خط نے اپنا کام کر دکھایا۔ یقیناً بن یزید نے عمر کے بیٹے کی سفارش کے بارے میں ابن زبیر سے بات نہیں کی، ورنہ وہ میری آزادی کے حکم کے ساتھ اپنی موت کا حکم صادر نہ کرتا۔ وہ لوگ تم سے وعدہ لینے آئے ہیں تاکہ تم بیعت نہ توڑو اور ہنگامہ آرائی نہ کرو۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ طلعت الخیر کا نواسا تمہاری آزادی کے خلاف ہے، مگر بن یزید نے اسے چپ کرا دیا ہے۔ تم دھیان رکھنا اور اس کو غصہ مت دلانا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے جلدی کرو۔ تمہارے قدم زندان کے باہر پہنچ جائے تو کوئی تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکے گا۔ اپنی شال اور قبا پہنو اور چلو۔ وعلیکم السلام۔ میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تھا کہ دگنا ثواب حاصل کروں۔ مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم ایسے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، مگر کیا کروں، اس نے مجھ سے تمہاری آزادی کی درخواست کی جو میرے لیے نہایت محترم ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کا صلہ یوں دو گے کہ جب تک ہم کوفہ میں ہیں تم آل زبیر کے خلاف کوفے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہماری بے عزتی نہیں کرواؤ گے۔ میرے اپنے اور میری زمینیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں اور میری کھیتی باڑی کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری تلوار نیام سے باہر نہ آئے سوائے کسی بیلچے کے دستے کو تراشنے کے لیے یا درخت کی کٹائی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضائع شدہ زندگی کو کسی حسین درخت کی پرورش میں یا کسی پودے کے بڑھنے کے منظر کو دیکھنے سے کرتا رہوں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دوں۔ جاؤ مختار، جاؤ، تم اب آزاد ہو، اب باقی زندگی کا کچھ حصہ توابین کے یتیم بچوں پر صرف کرو۔ کینہ توزیوں اور دشمنیوں کا کوئی ثمر نہیں ہے سوائے کوفے کے یتیموں میں اضافے کے۔ آزادی مشروط ہے مختار۔ مشروط کس بات پر؟ تمہیں کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم بیعت نہیں توڑو گے اور آل زبیر کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، اور اگر قسم توڑو گے تو تمہیں مکے میں 1000 اونٹوں کی قربانی کرنی ہوگی اور اپنی تمام تر ملکیت، چاہے عورت ہو چاہے مرد، سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ سچ ہے کہ آپ نے مختار کو آزاد کر دیا ہے؟ ہاں، مختار آزاد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اب میں تمہیں جواب دوں گا پسر سعد۔ تم لوگوں کو روزی روشن مسلمانوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، ہاں؟ کیا ہمارے درمیان طے نہیں پایا تھا کہ تم لوگ اپنے خانہ خراب گھروں میں بیٹھے رہو اور ہماری اور اپنی ہر طرح کی راہ رسم کا انکار کر دو، ہاں؟ امیر، مختار کی آزادی کا حکم یعنی آپ کی اور ہماری موت کا حکم، یہی تھی وہ سیاست جس پہ آپ کو اتنا ناز تھا، ہاں؟ جانتا ہوں، جانتا ہوں، مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مختار کی آزادی اس نے مجھ سے مانگی جو ہم سب کے لیے عزیز و محترم ہے اور اس کی حرمت واجب ہے۔ آپ پسر زبیر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں یا پسر عمر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں؟ مختار کی آزادی کا مطلب فتنہ یعنی آشوب یعنی جنگ جنگ جنگ۔
आपने एक खलीफा जादे के दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफा जादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्ने उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बरपा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शेमल, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालियत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है? वो अपने ख्वाबों के ताजो तक को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा। अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा है, सियासत तो जंग है। मैं बारहा बारहा उसके आगे मغلوب हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते। काफी है उमर साद। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचा लें। तुम जाओ और उन हड्डियों से पना मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। बिन यजीद, यजीद हाय हाय, बहुत पली हाय हाय, इतनी पीली है हाय हाय, चकरा राय हाय हाय, फिर यजीद हाय हाय, बहुत पली हाय हाय, इतनी पीली हाय हाय, इतनी पीली हाय हाय, फिर यजीद हाय हाय, बहुत पली हाय हाय, पली हाय, बिन यजीद हाय हाय, बहुत पली हाय हाय, इतनी पीली हाय हाय, टकरा हाय हाय हाय, बिन यजीद हाय हाय, बहुत पली हाय हाय, रोक यार, बंद करो। तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मलून कहीं के। ये सारी बकवासियात मेरे माँ बाप के बच्चों के लिए, सड़क छाप बदमाश और बिगड़े हुए बच्चों को सेफ देता है, तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। मचानिया बाबा फिर जानी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनके दुम पे पांव रख दिया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है? ये जिन ज्यादा हो गए हैं मेरी जान,
तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अब्बो, गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हम्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज! क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे! खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने? ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पांव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवास या सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का फिरते जबान है? शाबाश है मोहतरमा, क्या पुर अमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुर अमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें? जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में तुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीजे और नौकरानियाँ नहीं है ना। मैं सच कह जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भिखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरास से हमारे घर को घेर लिया? उमर, कुफा रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते? तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और खुआरी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तो फिर लानत की? हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत, मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शामिया हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? और कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तबाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। क्या हुआ हाफ़िज़? ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ मेरे बच्चे? बच्चा नहीं हूँ मैं, बुढ़िया मैं हूँ। हाफ़िज़ इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, सरदार जंगे करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। तारा, कुसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरतें जब उमर साथ के बेटे को देखे तो अपना हमल गिरा दे। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? और यान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। उरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है, हमारी भैंस बढ़ गई। उरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र 7 का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया, एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने, बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं?
नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर उरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी।